नमस्कार, इंडिया टीम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर सोहन पोड़िया। और इस वक्त हम मौजूद हैं जुंडला की मार्केट कमेटी कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के वो तमाम समर्थक यहां पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा को लेकर जो है 9 तारीख को एक रणनीति तैयार की, उसको लेकर बातचीत करना चाहेंगे। नरेंद्र घोषी जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला। और मैं बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना होकर एक देश के नागरिक होने के नाते सभी लोग मिलकर सामाजिक संस्थाएं आ गई उसमें, और जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा में लगे हुए हैं। कुछ लोग इस यात्रा को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि ये विपक्ष के जो कुछ लोग हैं जो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति कर रहे हैं कि उनके चक्रव्यूह को तोड़ने का कुछ ऐसा प्रावधान है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं आपकी को बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और जहाँ तक भी ये लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, कि आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 7 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ कि लगातार 1 से लेकर 15 तारीख का जो ये अमृत महोत्सव का महीना होता है, तो इस महीने में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा करते हैं। और शहीद तिरंगा सम्मान यात्रा का जो उद्देश्य है वो है शहीदों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, आज जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, उनको याद करना। और अपने जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं या जो आज के युवा हैं उनको बताना कि ये आज़ादी किस प्रकार मिली थी। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, और इसी प्रयास में आज पूरे भारतवर्ष में जो आज़ादी के दीवाने हैं या जो देश प्रेम जिनकी रगों में बह रहा है वो इस प्रकार का प्रयास करने में लगे। आज यात्रा की शुरुआत सबसे पहले त्रावड़ी विधानसभा से, नीलोखेड़ी विधानसभा से हुई, तो वहाँ के त्रावड़ी शहर में 3 किलोमीटर की यात्रा, इतनी भव्य यात्रा जिसको देखकर ऐसा लगता था कि मानो देश प्रेम सभी के मन में हिलोरे मार रहा हो। और उसमें हमारे जो इस समय हमारे साथी हमारे बीच में हैं, जैसे हमारे मंडल हमारे ज़िले के महामंत्री हैं विनोद राणा जी, बहुत बढ़ चढ़कर जोश, इनका उत्साह देखने लायक था। और सचिव जी भी खड़े हैं हमारे किशन सहन जी, इनका जोश देखने लायक था। बब्बू जी का जो हमारे मीडिया देख रहे, देखिए एक शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का जो 9 अगस्त का कार्यक्रम है वो असंध विधानसभा का कार्यक्रम रहेगा। जुंडला में ये यात्रा निकलेगी, मेन बाज़ार से होते हुए लगभग गौशाला से ये यात्रा स्टार्ट होगी और अनाज मंडी में आकर के यात्रा खत्म होगी। तो मैं आमजन से भी सभी से अपील करता हूँ कि शहीदों के सम्मान में एक दिन तिरंगा हाथ में लेकर के उन शहीदों को सबको नमन करना चाहिए जिनकी बदौलत, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और मैं आमजन से, सामाजिक संस्थाओं से, सबसे अपील करता हूं कि ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, और आप सभी का इसमें स्वागत है, और सभी मिलजुल कर एक दिन शहीदों को नमन करेंगे। जी, कृष्ण सेन जी क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र घोषी जी ने आपको विस्तार से बताया कि जो तिरंगा सम्मान दिवस है शहीदों का, उसमें